हम लोगों ने एक बेसिक फार्मूला जो है इसके पहले लेक्चर में प्रूव किया था कि कॉस अगर दो एंगल का सम के रूप में लिखा हो, योग के रूप में, कि कॉस एक एंगल एक्स और एक एंगल वाई, एक्स प्लस वाई हो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और एक फार्मूला दो एक भी था कि साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और कॉस माइनस एक्स की वैल्यू वही होती है जो कॉस एक्स की, यानी कॉस माइनस पाई बाई फोर की जो वैल्यू होगी वही हमारी कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू होगी, लेकिन जो साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होगी तो अगर आप जो है माइनस करेंगे तो साइन में एक माइनस जो है एंगल माइनस करेंगे अगर साइन में तो वैल्यू के बाहर भी क्या आएगा? एक माइनस आ जाएगा। तो इसके जो है हेल्प से हम लोग और फार्मूले जो है प्रूव करने जा रहे हैं, सिंपल सिंपल सा है। तो फोर्थ नंबर का फार्मूला थर्ड से ही आएगा, तो पहले फार्मूला हम लोग लिख दे रहे हैं कॉस ऑफ, यानी कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये हमारा फोर्थ नंबर का फार्मूला है। अब इसको हम लोग जो है सिंपली जो है कर लेते हैं। और इन सबको क्या बोला जाता है? सर्वसमिका बोला जाता है। सर्वसमिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कि सब एंगल के लिए सही होते हैं, सब एंगल के लिए ये फॉलो होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सर्वसमिका। तो ये फोर्थ फार्मूला हम लोगों का सिंपल सा है। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग y के प्लेस में सर्वसमिका तीन में y के स्थान पे अगर हम लोग माइनस y पुट कर देते हैं तो चौथा फार्मूला हम लोग लाने के लिए क्या लिखेंगे कि सर्वसमिका, क्योंकि तीन तो हम लोग प्रूव ही कर चुके हैं, सर्वसमिका तीन में y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर, तो जो वाई जहां जहां है हम लोगों का वहां पे माइनस वाई रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई। ये हमारा क्या हो गया? कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस वाई। और साइन एक्स और साइन माइनस वाई की वैल्यू माइनस साइन वाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन वाई। यहाँ में हम लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया कि अगर कॉस ऑफ माइनस वाई है तो ये सीधा सीधा क्या हो जाता है? कॉस वाई। लेकिन अगर साइन जो है हमारा माइनस वाई है तो यह जाता है माइनस साइन वाई, यानी साइन में माइनस माइनस बाहर आ जाता है हमारा ये। तो हमारा वही फार्मूला मिल गया कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। सिंपल सा ये फोर्थ फार्मूला भी हम लोगों का प्रूव हो गया। फिफ्थ नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं। पांचवा नंबर क्या है? हमको ये कि कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, ये हमको प्रूव करना है कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है? पाई बाई टू, एक्स के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे? पाई बाई टू और वाई के स्थान पे एक्स। सर्वसमिका हम लोग क्या लिखेंगे कि सर्वसमिका जो हमारा चार मिला है, सर्वसमिका चार में एक्स के स्थान पर पाई बाई टू और वाई के स्थान पर एक्स रखने पर, यानी सर्वसमिका चार में हम लोग एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे? पाई बाई टू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर एक्स के स्थान पे पाई बाई टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई टू और वाई के स्थान पे एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई टू और वाई के स्थान पे एक्स साइन एक्स। तो ये तो हमारा यही रहा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स
बराबर कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये जीरो इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, वन इंटू साइन एक्स। तो हमारा ये हो गया कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर सीधा सीधा साइन एक्स। ये जो है पांचवा फार्मूला भी हम लोगों को प्रूव हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया कि कॉस फाइव बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये भी हम लोगों का प्रूव हो गया। तो ये पांचवा भी हम लोगों का प्रूव हो गया। अब हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं, सिक्स नंबर फार्मूला। सारे फार्मूले हम लोग ये जो एक फार्मूला प्रूव किए थे इसी के हेल्प से मिल जा रहा है हमारा। सिक्स नंबर फार्मूला हमारा है, सिक्स नंबर क्या है हमारा कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, ये हमको प्रूव करना है। तो सर्वसंख्या जो चार है हमारा ये यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सर्वसंख्या चार की हेल्प से ही सब प्रूव हो जा रहा है। सर्वसंख्या चार हमारा क्या है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका हमारा क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और चूंकि ये कॉस है तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जो दो टर्म होंगे एक में कॉस कॉस होगा और एक में साइन साइन, बस ये होता है। मतलब कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और ये कॉस है तो एक टर्म कॉस कॉस वाला होगा, एक टर्म साइन साइन वाला। तो साइन नाइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है। तो हमारा ये पाई बाई टू माइनस एक्स कैसे बनेगा हमारा, ये जो है इसमें जो है हम लोग एक्स के स्थान पे जो है पाई बाई टू रख दें, या हम लोग जो है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर साइन एक्स हम लोग प्रूव कर चुके हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको याद रखने का तरीका, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये कॉस का फार्मूला है तो एक टर्म कॉस कॉस का, एक टर्म साइन साइन का। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, एक टर्म कॉस कॉस का, एक टर्म साइन साइन का, ये याद करने का तरीका हो गया। और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, कॉस पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हमको दिखाना है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन पाई बाई टू। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग सर्वसंख्या चार का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग सर्वसंख्या पांच का उपयोग करेंगे। जो पांच है हमारा सर्वसंख्या, जो हम लोगों ने अभी देखा है कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, ये हमारे पास है सर्वसंख्या पांच। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सर्वसंख्या पांच में एक्स के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि हमको साइन पाई बाई टू माइनस एक्स चाहिए। तो एक्स के स्थान पे अगर पाई बाई टू माइनस एक्स कर दें तो हम लोग क्या कहेंगे, सर्वसंख्या पांच में एक्स के स्थान पर पाई बाई टू माइनस एक्स रखने पे, पाई बाई टू माइनस एक्स रखने पर, तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस, और एक्स के स्थान पे हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हमारा कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू साइन पाई
पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू खत्म, कॉस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, यानी साइन पाई बाय टू माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। ये फार्मूला ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये हमारा क्या है, सर्वसंख्या नंबर 6। सर्वसंख्या हमारा क्या है, 6। अगला सर्वसंख्या हम लोग देखते हैं जो हमको प्रूव करना है। अगला फार्मूला क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर हमको ये प्रूव करना है कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये सिंपल सा इसका प्रूविंग होगा। हमको ये पता है कि साइन पाई बाय टू माइनस एक्स अगर होता है तो वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कास जो है, दो चीज हम लोगों ने प्रूव किया है कि कास पाई बाय टू माइनस एक्स बराबर हमारा क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है, और साइन पाई बाय टू माइनस एक्स बराबर कास एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स बराबर, साइन एक्स बराबर कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बराबर कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स। ये हमारा सर्वसंख्या 5 का उपयोग करने पर, ये हमारा क्या है, सर्वसंख्या 5 से इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो अगर कहीं पे साइन एक्स लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई है तो इसको हम लोग, कोण हमारा क्या है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस वाई हमारा हो गया कास पाई बाय टू माइनस एक्स को एक टर्म बना ली और एक्स को अलग अलग कर ली, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, कास पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई। अब हम लोग साइन एक्स प्लस वाई की जगह पे ये, तो एक एंगल हमारा क्या हो गया, पाई बाय टू माइनस एक्स, और एक एंगल हो गया हमारा वाई, और कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। कास एक्स प्लस वाई हमारा क्या है, कास एक्स प्लस वाई वाले में क्या होता है, बीच में क्या रहेगा, माइनस, और एक टर्म रहेगा जिसमें कास कास रहेगा, यानी कॉस एक्स कॉस वाई, वहां पे प्लस है तो माइनस हो गया साइन एक्स साइन वाई, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो ये हमारा जो हो गया, कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या हो गया, एक्स की जगह पे ये कोण हमारा है, वाई की जगह पे ये, तो कॉस एक्स यानी कास पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे हमारा क्या है, पाई बाय टू माइनस एक्स साइन वाई। कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स हम लोग अभी देखे हैं क्या होता है, साइन एक्स होता है, और ये हो गया कॉस वाई, और साइन पाई बाय टू माइनस एक्स हमारा क्या होता है, कॉस एक्स साइन वाई, और ये हम लोग क्या लेके चले थे, साइन एक्स प्लस वाई, यही हमारा क्या था, जो कास पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई हम लोग किसको बनाए थे, साइन एक्स प्लस वाई को ही बनाए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज का यूज किया है, हम लोगों ने यूज किया है कि कास पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ये सर्वसंख्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तुम्हारा सिंपल सा फार्मूला आ गया, साइन एक्स प्लस वाई बराबर ये हमारा है साइन एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसमें हल्का सा मिस्टेक हो गया हम लोगों का, यहाँ पे जो माइनस है तो
तो ये पाई बाई टू माइनस एक्स एक्स करेंगे तो ये माइनस ब्रेकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या है माइनस है। कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, क्योंकि ये पाई बाई टू माइनस एक्स को अलग करेंगे तो माइनस वाई बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये सर्वसम का नंबर हमारा क्या हो गया सात। सर्वसम का नंबर हमारा क्या हो गया ये सात। अच्छा अब एक और इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस वाई सर्वसम का, साथ में हम लोग एक्स के स्थान पे वाई के स्थान पे माइनस वाई रख दें, यानी सर्वसमी का साथ में वाई के स्थान पर माइनस वाई रखने पर, तो माइनस वाई रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस माइनस वाई, तो ये हमारा जो साइन एक्स माइनस वाई जो हमारा हो गया साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि कॉस हमारा क्या कर लेता है सॉरी साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई है यहाँ पे, ये देखिए ये कॉस एक्स साइन वाई, ये हमारा क्या है कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन के फार्मूले में क्या होता है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहता है, और एक टर्म साइन वाला दूसरा टर्म कॉस वाला, कॉस के फार्मूले में क्या रहता है, ये दोनों कॉस कॉस, ये दोनों साइन साइन, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, ये कॉस में। साइन में क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, और एक साइन एक कॉस एक साइन, तो साइन एक्स माइनस वाई हम लोग निकालना चाहते हैं, तो यहाँ वाई के स्थान पे माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन माइनस वाई, तो ये हमारा हो गया कॉस, तो माइनस को खा लिया, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन माइनस वाई है तो साइन माइनस वाई बराबर हमारा क्या होता है माइनस साइन वाई साइन, तो ये माइनस बाहर जब आ जाएगा ये हमारा, तो ये माइनस यहाँ जाएगा माइनस एक ही कॉस एक्स साइन वाई, तो ये सिंपल सा हम लोगों का क्या हो गया साइन एक्स माइनस वाई भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका हमारा क्या है, साइन एक्स माइनस वाई में यहाँ माइनस है तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी हमारा क्या है माइनस है। तो साइन में हमको कैसे याद रखना है, साइन के दो कोणों का योग और घटाना का फार्मूला हम लोगों का, कि अगर साइन में बीच कोणों के बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस होगा और एक टर्म साइन होगा, अगला कास, यहाँ पे जो पहला है कास होगा एक टर्म साइन, तो ये साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये हम लोगों ने देखा, टोटल हम लोगों ने कितने फार्मूले देखे सात, ये हमारा क्या हो जाएगा सर्वसम का नंबर आठ हो जाएगा। तो जो सारे फार्मूले हम लोग देखे इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, पहला सर्वसम का जो हम लोग सिंपल सा जो देखे थे हमारा क्या होता है साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है हमारा माइनस साइन एक्स। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि कॉस माइनस एक्स हमारा क्या हो जाता है कॉस एक्स, यानी कॉस माइनस खा लेता है और साइन उल्टी कर देता है। तीन सर्वसम का कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस के फार्मूले में हम लोग जानते हैं क्या रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस रहेगा, बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा, और एक टर्म होगा जिसमें कॉस कॉस, पहले वाला क्या होगा कॉस कॉस, यानी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स
साइन वाई सरसम का 4 कॉस एक्स माइनस वाई, जो हमारा 3 सही निकला है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, 5 सर्वसमिका 5, ये हमारा आया था कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर हमारा क्या होता है साइन एक्स सर्वसमिका 6, हमारा क्या आया था साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स सर्वसमिका 7, हमारा क्या था साइन का फार्मूला था साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो साइन के फार्मूले में क्या रहता है, एक टर्म साइन का अगला टर्म कॉस का, तो साइन का एक टर्म हो गया यानी साइन एक्स एंगल हो गया, अगला एंगल क्या रहेगा कॉस के साथ, और यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया। आठवां सर्वसमिका हमारा क्या था साइन एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा क्या हो जाता है सीधा इसी में माइनस हो जाता है बस, कॉस एक्स साइन वाई। तो ये जो है 8 फार्मूले हम लोगों ने प्रूव किया, तो इसमें जो है एक ये सिंपल सा ये प्रूविंग हमारा जो है मेन था, इसी को हम लोगों ने प्रूव किया। तो ये 8 फार्मूले हम लोग इसका यूज करेंगे, अभी और भी फार्मूले हैं हमारे, लगभग 20 फार्मूले हैं, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे।